उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड के बीच तेज हवाएं अब लोगों को परेशान कर रही हैं। गुरुवार को प्रदेश में मौसम ने करवट बदली और कई जगह बूंदाबांदी हुई। उत्तर प्रदेश में कल कई इलाकों में वर्षा हुई, इससे सर्दी का सितम तो बढ़ा लेकिन गेहूं की फसल के लिए वर्षा का इंतजार कर रहे किसानों को राहत मिली है। मौसम विभाग का अनुमान है कि शुक्रवार को घना कोहरा रहेगा जबकि शनिवार को मौसम साफ रहेगा। वहीं रविवार और आगामी सोमवार को गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। अगले कुछ दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। वहीं बिहार के मौसम में 3 फरवरी के बाद बदलाव देखने को मिलेगा। 3 फरवरी को पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिमी भारत को प्रभावित करेगा। इसके कारण प्रदेश में 72 घंटे के दौरान पटना समेत अधिकांश भागों में आंशिक बादल छाए रहेंगे। 4 और 5 फरवरी को पटना सहित 23 शहरों के अलग अलग स्थानों पर हल्की वर्षा का पूर्वानुमान है। वहीं तराई वाले इलाकों में बहुत घना कोहरा व राजधानी समेत अन्य भागों में हल्के दर्जे का कोहरा छाए रहने का पूर्वानुमान है। बात करें दिल्ली NCR की तो यहां भी जनवरी की विदाई और फरवरी की शुरुआत बारिश से हुई। वहीं फरवरी महीने के दूसरे दिन यानी कि शुक्रवार की सुबह घने कोहरे के साथ हुआ। आज दिल्ली का मिनिमम टेम्परेचर 8.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं सुबह 9 बजे तक भी कई इलाकों में दृश्यता शून्य मापी गई, जिसके चलते हवाई उड़ानों से लेकर ट्रेनों की रफ्तार पर भी ब्रेक लगा। NCR में मौसम लगातार करवट ले रहा है। शुक्रवार सुबह शहर के कई हिस्सों में धूप तो कई हिस्सों में घना कोहरा रहा। धूप में भी ठंडी हवाएं चुभ रही थी। ऐसा मौसम आने वाले दिनों में भी रहेगा। मौसम विभाग ने शनिवार और रविवार को तेज हवाओं के साथ वर्षा का अलर्ट भी जारी किया है।